ये जो मेन और मुख्य पॉइंट है इसको ध्यान से दीजिए। उत्तर कुंजी पर आपत्ति प्राप्त करने हेतु उत्तर कुंजी लैब करना होगा। उत्तर कुंजी क्या करना, सक्षमता परीक्षा 2024 की बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो जरूर आप एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो को पूरा देखें। यह अपडेट 5/3/2024 को आया है, मुख्य अपर सचिव के द्वारा आप लोग को मैं बता दूं अध्यक्षता में संपन्न स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 के परीक्षा फल प्रकाशन से संबंधित बैठक की कार्रवाई। तो आपका जो एग्जाम हुआ उसका जो रिजल्ट होगा किस तरह से संशोधित किया जाएगा, किस तरह से इसको विस्तारित किया जाएगा, इसी के विषय में चर्चा किया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका समय मैं विलम्ब नहीं करूंगा, सीधा अपडेट पर चलता हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को अपडेट बता दूं, यहां पे एक अपडेट है, इस अपडेट को देखना जरूरी है सभी को। यहां पे कहा जा रहा है कि ऐसे 1205 शिक्षक अभ्यर्थी जो BTET और CTET STET के रोल नंबर के अनुसार डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित हैं उन्हें भौतिक सत्यापन हेतु मुख्यालय बुलाया गया है। मुख्यालय कहाँ बुलाया गया है? और उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है भौतिक सत्यापन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आवेदन करने वाले सभी शिक्षक अभ्यर्थी को आंकड़ा API के माध्यम से विभाग को उपलब्ध। जो मुख्य पॉइंट अपडेट है 8 नंबर में, इसको आपको गौर से ध्यान करना है और देखना है। स्थानीय निकाय शिक्षक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा 2024 की प्रथम के परीक्षा फल, प्रथम में जो आप एग्जाम देते हो उसका परीक्षा फल का प्रकाशन से संबंधित गतिविधियों हेतु समय सीमा निम्बत निर्धारित किया गया है। परीक्षा एजेंसी द्वारा SCERT को आपको उपयोग किए गए प्रश्न उपलब्ध कराना होगा 7 मार्च 6:30 बजे तक आपको करना है। और SCERT द्वारा परीक्षा एजेंसी को उत्तर कुंजी उपलब्ध कराना होगा, या आपको उत्तर कुंजी उपलब्ध कराना होगा। इसका जो अपडेट है या सारे अपडेट आप लोगों को कहा जाए कि 10 तारीख को 5 PM तक और 7 तारीख को 6:30 बजे तक उपलब्ध कराया। ये जो मेन और मुख्य पॉइंट है इसको ध्यान से दीजिए। उत्तर कुंजी पर आपत्ति प्राप्त करने हेतु उत्तर कुंजी लाइव करना होगा। उत्तर कुंजी क्या करना होगा, आपको लाइव करना होगा, जो कि 12 मार्च 2024 को 11 AM तक रहेगा। उत्तर कुंजी पर आपत्ति प्राप्त करना है तो 14 मार्च से आपको कहा जाए कि 12 AM तक होगा। और आपत्तियों के निराकरण हेतु डाटा SCERT को उपलब्ध कराना होगा तो 15 मार्च 5 PM तक होगा। उसके बाद त्रुटिहित उत्तर कुंजी SCERT द्वारा उपलब्ध करना होगा तो 18 मार्च 5 PM तक होगा। और परीक्षा एजेंसी द्वारा बोर्ड एजेंसी की परीक्षा फल उपलब्ध कराना है तो 20 मार्च को किया जाएगा। और बोर्ड द्वारा अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन 23 मार्च को होगा। ये सारी अपडेट आप लोग को देखना है। उसके बाद जो अपडेट कराए इसको आप लोग ध्यान से देखिए, और अपडेट हमेशा आपके बीच आते ही रहता है। ये आपको शिक्षा विभाग की ओर से अपडेट दिया जा रहा है जो कि मैं हमेशा आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करता हूँ। तो यह अपडेट जो आप लोगों के बीच है इस अपडेट को आप लोग देख लीजिए, और अपडेट को देखते हुए अपने साथी के साथ शेयर करने का प्रयास करें ताकि सक्षमता परीक्षा की सारी अपडेट आप लोग जान सके। फिलहाल अगर इसमें आपको कोई परेशानी होता है, कोई आपत्ति होता है, एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा आपका सहयोग किया जाएगा, और कमेंट करके आप लोग जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर फॉलो कर लें, और मेरे वेबसाइट को विजिट कर लें। जय हिंद।